हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एसएसओ आईडी जिस पे हम सभी वर्क करते हैं, उसकी अब जो पासवर्ड पॉलिसी है वो 1 जून 2024 से चेंज हो चुकी है। अब आप सभी को आपके न्यू पासवर्ड क्रिएट करने हैं एंड आपको आपके पासवर्ड किस तरह बनाने हैं, आज की प्रोसेस यही है। ये सभी कर्मचारियों द्वारा किया जाना है एंड जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो 90 दिन तक वैलिड रहेगा। इसकी पासवर्ड पॉलिसी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एसएसओ पे मिल जाएगी, है यहाँ डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है और ये भी बताया गया है कि आपको ये किस तरह क्रिएट करनी है। तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं ले चलता हूँ कि हमें क्या करना है। आप देख लीजिए यहाँ पे पासवर्ड चेंज में दिखा हुआ है, पासवर्ड मस्ट बी फोर्सिबली चेंज्ड एट लीस्ट एवरी 90 डेज। तो 90 दिन में आपका पासवर्ड चेंज के लिए ये मांगेगा, तो आपको आपका पासवर्ड जरूर चेंज करना है 90 दिन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि हमें पासवर्ड कैसे बनाना है। यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड क्रिएशन के लिए लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखी हुई है। यहाँ पे मैक्सिमम 8 से 30 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, मिनिमम तो 8 होना ही चाहिए, 8 से कम करेंगे तो वो नहीं लेगा। एंड इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड अ मिक्स ऑफ अपर केस लेटर, मतलब एक कैपिटल, एक लोअर जो डिजिट्स होती है, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आइए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसका पासवर्ड हमें चेंज करना है, तो अभी आप डायरेक्ट फॉरगेट पासवर्ड पे मत जाइए। आप पहले ये करके देखिए, आपको पहले आईडी पासवर्ड डालने हैं आपके, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है एंड सिंपल लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आता है तो आप पासवर्ड उस टाइम चेंज कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप उस टाइम ये वाला पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। तो इसमें आपको दिखा हुआ है कि आपका पासवर्ड पासवर्ड नीति का अनुपालन नहीं करता है, वर्तमान पासवर्ड बदलने के लिए ओके पर क्लिक करें। आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपको एक आधार ओटीपी की साइट पर ले जाएगा आधार प्रमाणन के लिए। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करना है एंड ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी ही देर में आपके पास एक ओटीपी प्राप्त होगा। मैं यहां पे सेंड कर देता हूं। यहां मैंने ओटीपी सेंड कर दिया है, ये 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, आपको थोड़ा वेट करना है जब भी आपको ओटीपी प्राप्त हो। यहाँ जैसे ही हमें ओटीपी प्राप्त होगा हम उसे इंसर्ट कर देंगे एंड उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम ओके करेंगे, हमें एक वापस से एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें ओल्ड पासवर्ड मिलेगा, न्यू पासवर्ड मिलेगा एंड कंफर्म पासवर्ड मिलेगा। आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसका यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पहले वाला पासवर्ड था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ न्यू पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे, तो अपर केस डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद लोअर केस स्मॉल में जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद आपको यहां पे डिजिट डालनी है, उसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर डालना है एक, वापस से आपको कंफर्म करना है यही पासवर्ड। यहाँ हम डाल देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद सिंपल हमें यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा और आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका पासवर्ड यहाँ पे रीसेट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे इजिली आपकी लॉग इन कर सकते हैं, जो भी आपका न्यू पासवर्ड आपने बनाया है। इसको मैं अभी यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करते ही आपको वापस से लॉगिन पे जाना है एंड आपको वापस से लॉगिन करना है। तो ये थी आज की पूरी प्रोसेस कि आपको आपका पूरा पासवर्ड कैसे चेंज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।